दुनिया की सबसे वजनी महिला ईमान अहमद अब्दुलाती का आज सुबह अबू धाबी के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको याद होगा, ईमान अहमद को सर्जरी के लिए इसी साल फरवरी में इजिप्ट से मुंबई लाया गया था। उस वक्त उनका वजन 500 किलो से भी ज्यादा था। मुंबई के सैफी अस्पताल में करीब 2 महीने तक ईमान का इलाज चला था। मुंबई में ईमान के इलाज पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया था, जिसमें से 65 लाख रुपए भारतीय डोनर्स ने दिए थे। मुंबई के बाद उनका परिवार आगे इलाज के लिए उन्हें यूएई ले गया था। अबू धाबी के एक अस्पताल में 20 डॉक्टरों की टीम ईमान का इलाज कर रही थी। ईमान के बेरियाट्रिक सर्जन के मुताबिक ईमान की मौत किडनी फेलियर और आंतों में जख्म की वजह से हुई है।